वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर, उनकी घटनाओं पर, उनका कालक्रम भी निर्धारित होगा और चरित्र का वर्णन भी होगा, और आपके कथावाचक हैं आज नीलेश ओक। इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा कंट्रीब्यूशन लिंक दबा दीजिए और हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए। नमस्ते नीलेश जी। नमस्ते दर्शकों। नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नीलेश जी, आज आप कथावाचक की भूमिका में और पहला प्रश्न ये है मेरी तरफ से, कृष्ण को पूर्णावतार क्यों कहते हैं? मैथमेटिक्स में संजय जी ऐसी कंसेप्ट है कि जिसको हम एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन कहते हैं, कि वो हाइपरबोला में उसका उपयोग होता है, कि वो जो कर्व है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को मिलने तो जा रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ये कहा है कि ये हमारे जीवात्मा की भूमिका है कि हम जितना पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध खुद को शुद्ध करते हैं तपस्या से, स्वाध्याय से और अभ्यास से, अभ्यास भी बहुत जरूरी है, ज्ञान की बहुत जरूरी है, तो हम एसिम्प्टोटिक जैसे भगवान के यहाँ पहुंच जाते हैं। जीव शिव एक होने वाली जो बात है, या आत्मन और ब्रह्मन वाली वो बात है, लेकिन वो कहते हैं जब तक हम ये शरीर में हैं तब तक हम थोड़े से तो अधूरे ही रह जाएंगे, एक ऑलमोस्ट पहुंचेंगे लेकिन नहीं पहुंचेंगे। इसलिए वो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन, ये कंसेप्ट ज्ञानेश्वर ने 13th century में बताई है, एसिम्प्टोटिक की कंसेप्ट अप्लाइड टू अध्यात्म। और जो पूर्ण पुरुष है, जैसे कि हम कृष्ण जी को कहते हैं, वो थोड़ा सा उल्टा डायरेक्शन से है, वो तो पूर्ण पुरुष है बट जब वो धरती पे आते हैं तो थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग, मानव जैसे बिहेव करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही थोड़ा सा है, हमारे लिए तो बहुत ही चरित्र लगता है वो, हमारे लिए तो बहुत सारी लीला कर देते हैं वो, और इसलिए वो पूर्ण पुरुष है क्योंकि जैसे भगवद गीता में कहते हैं कि जो मूढ़ लोग है वो समझते हैं मुझे कि मैं आपके जैसा ही हूँ, एक दूसरे जैसा ही हूँ, ऐसा वो समझते हैं, लेकिन वो नहीं है, एक अलग उनका क्वालिफिकेशन है। फिर अवतार की भी अलग अलग डेफिनेशन होंगी, उसमें हम आज जाएंगे नहीं, लेकिन उनका जो दर्शन है वो क्लोज टू पूर्णता है, और उनके लिए तो वो बहुत ही स्वल्प और अल्प है, लेकिन हमें वो पूर्ण है ऐसा परिचय हो जाता है, इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम या पूर्ण अवतार कहेंगे। वैसे हमारे परंपरा में आता है कि राम 12 कला रखते थे और श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला रखते थे, और पूरी कलाएं जो है वो 16 हैं, हर कला में 4 विद्याएं हैं, तो कुल मिला के 64 विद्याएं हैं, 16 कलाएं हैं। तो चूंकि कृष्ण अकेले ऐसे थे जिनके पास 16 कलाएं थीं, जैसे भगवान राम के चरित्र में हमें गायन, नृत्य, अभिनय ये सब नहीं मिलता है, लेकिन कृष्ण के चरित्र में वो भी है, तो इसलिए संभवतः उनको पूर्ण अवतार कहा गया। और संजय जी उसकी भी हम आज बात करेंगे, वो 64 कला उन्होंने कहाँ सीखी और कितने फास्ट सीखी ना, वो भी उनकी लीला है, वो लेके ही आए थे हम बोल सकते हैं, बहुत बार हम लेके ही आते हैं, जैसे कि हमें भी समझता नहीं कि कोई पर्टिकुलर चीज, देखो एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स चले जाते हैं लेकिन वो 60 स्टूडेंट उतना ही ग्रहण नहीं करते, इसका कारण भी वो पहले से क्या पैकेज लेके आए वो भी जरूरी होता है, लाइक प्री रिक्विजिट्स वो क्या लेके आए। 64 कला की भी हम आज उनके चरित्र में बात करेंगे। तो अब हम आरंभ करते हैं, और हम आरंभ करते हैं कृष्ण जन्म से। हाँ, तो मैं संजय जी शेयर करना चाहूंगा मैं स्लाइड्स, तो मैं शेयर करता हूँ, सो लेट्स सी। ओके, आप बताइए मुझे, आप शेयर मेरा स्क्रीन देख सकते हैं तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कृष्ण चरित्र दिख रहा है ना? चरित्र, हाँ।
तो कृष्ण चरित्र की हम संक्षेप में बात करेंगे, ब्रीफ बायोग्राफिकल समरी ऑफ भगवान कृष्ण। और आज के सेशन में जो कोई ऐसे घटना हमें जनरल लोगों को पता है, लाइक पुतना की, वो भी उसमें समय मिला तो हम उसकी भी बात करेंगे। पुतना की बात करना भी अवश्य है, वो उसका विज्ञान बुद्धि से भी एक अलग उसका डिस्कशन किया जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है। उसका संबंध भी, उसका डिस्कशन भी महाभारत में भी आता है। मीन ऐसे कोई जगह नहीं है, इतना सब कनेक्टेड है ना ये सब चीजें। लेकिन हम जो जनरली लोगों को जो चीजें पता है उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्ण की लीला भी तो इन्फिनिट है और हमारे पास समय मर्यादित है। तो शुरू में ही, प्रारंभ में ही उनका आपको मैं जीवन चरित्र का डेट्स लोगों को शेयर करता हूँ कि वो 5633 BCE आप ऐड कर सकते हैं, उसमें 2021 साल ऐड करो तो कितने साल पहले कृष्ण जी का जन्म हुआ वो समझ में आ जाता है। और उनका जो निर्वाण हुआ वो द्वारका का जब डिस्ट्रक्शन हुआ उसके साथ ही हुआ, आसपास ही हुआ। और उसका जो समय आता है वो है 5525 BCE। और इसका संबंध कृष्ण कृष्ण जी के जो चरित्र है उसके साथ कैसा संबंध प्रस्थापित होता है, और उनकी महाभारत में एक विशेष भूमिका है, महाभारत में तो उनकी भगवद गीता भी है, और उसके साथ भी पूरा कैसा कनेक्ट हो जाते हैं ये डेट्स, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन एम्फेसिस सिर्फ डेट पे नहीं है, तो हम उनके जन्म की बात करते हैं। तो जन्म से ही उनका अब एक अलग, ये कृष्ण जी, कृष्ण भगवान कृष्ण के जो चरित्र है और जो आता है हमारे हमारे पास, लाइक समझ लो भागवत पुराण, हरिवंश, फिर महाभारत, और थोड़ा सा विष्णु पुराण से पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, और कहाँ कहाँ आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मिल जाती है, वो सब एकत्र लेके हमें ये चरित्र कहना है। तो पहली एक ये सरप्राइज बात मैं बताने वाला हूं, ये बहुत लोगों को उसका सरप्राइज होगा, क्योंकि हमने जो सुना है वो क्या सुना है हमने, और वो कुछ रॉन्ग नहीं है, बिकॉज वो भागवत पुराण में वैसे डिस्क्रिप्शंस आते हैं कि कृष्ण जी का जन्म होने के बाद वसुदेव जी ने उनको लेके लेके वो वृंदावन चले गए, व्रज वृंदावन गोकुल 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 चले गए। गोकुल चले गए। उसमें भी व्रज वृंदावन गोकुल में फर्क है, वो भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन ना ज्यादा नहीं वो डिटेल में। गोकुल, वो मेरी किताब जो है कृष्ण गोपेश्वर, उसमें वो पूरी ज्योग्राफी दी हुई है, क्योंकि गोकुल जमुना के पार है, हाँ वृंदावन इसी साइड में है, जहाँ मथुरा के साइड में ही है। अच्छा। नव उनका जन्म तो श्रावण मास में हुआ, वो वद्य अष्टमी का दिन था, भाद्रपद अष्टमी, भाद्रपद आपके यहाँ थोड़ा 15 दिन पहले थोड़ा चलता 15 दिन का जो है फर्क है वो। करेक्ट करेक्ट महाराष्ट्र यस। में और लोगों के लिए हम ये कहें कि वो जो 15 दिन का जो फर्क है, वो तो समझ लो हम नॉर्थ इंडिया के कैलेंडर्स वर्सेस साउथ इंडिया के कैलेंडर्स ऐसा लूजली कह सकते हैं। जी तो जी उसमें जो नॉर्थ का कैलेंडर है वो पूर्णमांतर सिस्टम है, पूर्णिमा से पूर्णिमा वाला, जी और हाँ जो दक्षिण में ज्यादा फॉलो किया जाता है वो अमावस्या टू अमावस्या। तो उसके कारण एक 15 दिन का फर्क पड़ता है। इनफैक्ट 15 दिन के लिए वो दोनों साथ में रहते हैं, दोनों कैलेंडर्स वो सेम ही कहते हैं, लाइक श्रावण शुक्ल बोलेंगे, लेकिन उसके बाद वो भाद्रपद शुक्ल और भाद्रपद वद्य ऐसे हो जाते हैं। तो श्रावण मास या आप कहे तो भाद्रपद मास, और ये आपको कैलेंडर में वो इसलिए मैंने, देखो आपका सोच के आपने सोचा था मैंने कि वो ऐसा हो सकता है आप भाद्रपद कहेंगे मैंने इसलिए डेलिबरेटली बीच में रखा है। देखो आप लेफ्ट में देख सकते हैं, तो जो फुल मून है वो फुल मून का जो महीना है वो शतभिषज के साथ मैंने कोइंसाइड करके रखा है, तो ये श्रावण उसके पहले हो गया और ये भाद्रपद उसके इमीजिएटली आगे हो गया, तो इन बिटवीन समझ लो आप ले लो। और वो जो महीना था वो महीना तो श्रावण महीना ही था, आज भी श्रावण महीना आता है, लेकिन कृष्ण के जन्म के समय का जो ऋतु था वो ऋतु ग्रीष्म ऋतु था। नाउ ये बात आपको कहाँ से पता चलती है, ये बात आपको हरिवंश से पता चलती है। तो ये जो मैंने श्लोक जो इधर यहाँ के यहाँ निकाल सिलेक्ट किए हैं वो हरिवंश के हैं। और उसका एक महत्वपूर्ण क्या बात है कि जब वसुदेव चल के जा रहे हैं गोकुल में और वो आ रहे हैं, तो उनको क्या दिख रहा है, जमीन पे क्या दिख रहा है उनको, उनको लीव्स और ब्रांचेस कट करके दे आर स्टोर्ड, सीमा सीमा पे स्टोर किए उनको दिख रहे हैं। और जब वो चल रहे हैं तो उनको पाँव में, जिसको आप क्या, सूखी धूल लग रही है, और उसके साथ जो काऊ डंग रहता है
या बफेलो डंग रहता है, वो करीशा किरण वसुधम, वो ड्राई, उनको काउ डंग उनके पाँव में लग रहा है, ड्राई धूली में। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तब पानी का सीजन नहीं है। और आप अभी भागवत पुराण में पढ़ेंगे तो थोड़ा अलग डिस्क्रिप्शन आ जाता है, इसलिए मैं ये जरूरी बता रहा हूँ। और वो ये जो हरिवंश का जो डिस्क्रिप्शन है, वो तो यमुना के तीर से वो चले गए। नाउ प्रश्न ये आ सकता है लोगों के मन में, फिर ये तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं, हमें जो पता है वो तो बात अलग ही है। तो इसलिए ही मैं ये बता रहा हूँ कि अभी ये जो डिस्क्रिप्शन है, क्या ये डिस्क्रिप्शन ज्यादा मैच होता है जो हमें महाभारत का जो समय पता है और बाकी जो सब चीजों से एकत्र आने वाले, या जो डिस्क्रिप्शन हमें भागवत पुराण में है? तो उसका उत्तर है कि हरिवंश का जो डिस्क्रिप्शन है वो परफेक्टली मैच होता है इसके लिए, और इसलिए मैंने वो हरिवंश का डिस्क्रिप्शन लिया है। तो ये पहली बात। इसलिए देखो, ये 6th मिलेनियम की बात चल रही है ना। फिर प्रश्न लोग पूछ सकते हैं, हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर में शायद ले सकते हैं कि फिर जो भागवत पुराण की जो बात है वो ऐसी क्यों है। तो देखो, भागवत पुराण में अपडेट कब हुई, भागवत पुराण भी पुरानी लिखी होगी, लेकिन उसमें एक जैसा कि स्मृति ग्रंथ है ये, तो स्मृति ग्रंथ में अपडेट्स होते रहती है, वो उसका उद्देश्य भी है। बिकॉज पुराण है वो, उसमें जीनियोलॉजीज है, जीनियोलॉजीज में कोई राजा के नाम ऐड करना है तो ऐड किया जा सकते हैं। सिमिलरली उसमें जब ऐड किया गया, तो हमें भागवत पुराण के अंदर के साक्ष्य लेके ही हम कह सकते हैं कि भागवत पुराण में एक अपडेट, जिसको कहेंगे हिंदी में क्या कहेंगे, मुझे सब शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन अपडेट्स करेंगे, उसका समय आता है 1300 BCE। नाउ आप 1300 BCE की बात करें या आज की बात करें, तो श्रावण महीना रेनी सीजन में आ जाता है। तो किसी ने जो अपडेट कर रहा है, शायद वो उस आदमी ने सोचा, जिसको समझ लो खगोल शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो वो आदमी अपडेट करने वाले आदमी ने, ये व्यासदेव की कृति नहीं है, अपडेट करने वाले आदमी ने ऐसा लिख सकते, ऐसा लिख सकते। ऐसे हम कुछ और चीजें भी देखेंगे। तो ये हो गया उनका जन्म। फिर वो गोकुल में गए, बाद में हम गोकुल से भी जो बदल किया वो शायद आपके बुक में होगा, तो हम एक सेकंड में उसकी बात करते हैं। लेकिन उसके पहले अभी प्रश्न ये आएगा कि उनका पूरा जो आयु था, आयु जो क्या हम बोलते हैं, जीवन का पूरा समय या टोटल उनका लॉन्जेविटी कितना था, इसके ऊपर भी हमें संशोधन करके ही निर्णय लेना पड़ता है। एक जगह कोई कुछ पढ़ लिया और वही मान लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज वैसा करेंगे तो आपको भ्रम हो जाएगा, इंद्रिय भ्रम हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा, कंफ्यूजन, डिल्यूजन हो जाएगा लोगों में, और वो डिल्यूजन तो है ही लोगों में। उसके उदाहरण ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण के लाइफ स्पैन के बारे में आपको बात करें, तो श्रीमद् भागवत पुराण कहता है वेरी क्लियरली कि उन्होंने 125 ईयर्स तक जीवन जिया। विष्णु पुराण कहता है मोर देन 100। तो एग्जैक्टली वो भागवत पुराण के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो है नहीं, लेकिन वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा भगवान कृष्ण का जीवन रहा। नाउ किसी ने आपको ये उपनिषद पता होगा, आई थिंक छांदोग्य उपनिषद, बट आई कुड बी रॉन्ग, जहां घोर अंगिरस और देवकी पुत्र कृष्ण की डिस्कशन की बात आती है। तो किसी ने वो घोर अंगिरस, देवकी, नंदन, कृष्ण, वो उधर का रेफरेंस लेके, और एक्चुअली जो 116 जो नंबर है वो, जो हम जिसको छंद में हम मात्रा कहते हैं, वो अलग अलग छंद के मात्रा ऐड करके, जैसे कि हम व्हाट इज दैट, अपना भगवद गीता का जो छंद है वो, और जो ऋग्वेद के छंद है वो, सब एकत्र करके उसकी मात्रा ऐड करें तो 116 हो जाती है करके मेटाफोरिकल एक बात कही है उपनिषद में। उपनिषद में बहुत सारी ऐसी बातें मेटाफोरिकल है, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसको लिटरली ले लिया कि अच्छा, ये उसमें ऐसा बोला है कि भाई तो आप 116 साल जी के ये सब अच्छा स्टडी करो, इसलिए किसी ने ऐसा उसका इन्फरेंस लिया, अनुमान किया कि शायद भगवान कृष्ण का आयु आयु 116 ईयर्स था, इसलिए ऐसा कहा गया है करके किसी ने वो किया है। आप मुझे कहेंगे तो उसको कोई आधार नहीं है, ऐसा हम लेना नहीं चाहिए, वो मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है, लेकिन वो एग्जिस्ट में है, इसलिए कोई लोग ये भी मानते हैं कि उनका आयु 116 ईयर्स था। फिर डॉक्टर पीवी वर्तक ने जो एस्टिमेट किया, उसका डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो लंबा सब्जेक्ट ही बन जाएगा। उन्होंने 101 ईयर्स तक किया, और जब मैंने मेरा संशोधन की शुरुआत की तो मैंने भी ये तीन या चार रेफरेंस मेरे सामने थे, 125, मोर देन 100, 116 और 101। नाउ वेरी रिसेंटली ये सबके साथ मैंने, सब मेरे ब्लॉग साइट पे आप चले जाइए तो ये सब सबके बारे में ब्लॉग्स मैंने लिखे हुए हैं, कृष्णा एजेस 125, 116 एंड 101, एंड दे आर स्टिल देयर, एंड आई ऑलवेज आई विल ऑलवेज कीप देम देयर।
अभी रिसेंटली, व्हेन आई से रिसेंटली, एक लास्ट एक साल में आप कह सकते हैं, मेरा कांटेक्ट हो गया ये मध्वाचार्य संप्रदाय, जिसको हम ब्रह्म द्वैत संप्रदाय कहते हैं, उनके कोई जो स्वामी जी है उनके साथ मेरा संबंध आ गया। उन्होंने, उनके कोई इन बिटवीन लोगों ने कांटेक्ट किया, फिर हमारी बहुत सारी चर्चा होने लगी थ्रू ईमेल, बट थ्रू आल्सो जूम या ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग करके, और उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की। दे लाइक माई वर्क, जो महाभारत पे मैंने काम किया हुआ है या रामायण पे काम किया हुआ है डेटिंग पे, और उन्होंने जो मध्वाचार्य जी ने एक बुक लिखा है कि उसका नाम है महाभारत तात्पर्य निर्णय, तो वहां का एक उन्होंने रेफरेंस मुझे दे दिया। एंड आई फाउंड इट व्हेन आई, एज आई वाज रिसर्चिंग मोर, दैट एक्चुअली इट मैचेस मोर, इट इज मोर कॉन्ग्रुएंट इन कंपैरिजन टू ये बाकी के जो रेफरेंसेस है उसके कंपैरिजन में। तो वो रेफरेंस मैं नीचे दिया है उधर, उपदिशम परम ज्ञानम उद्धव उद्धवायामुपाश्रमम बदर ख्याक्यम प्रापयित्वा, वो तो ठीक है। महत्व का बात यह है कि वो जो लास्ट का जो दो शब्द है, सप्तमाब्दम शतोत्तरम, 107 ईयर्स का कृष्ण की आयु रही, दैट इज द लास्ट वन। अभी आपको हम थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड करेंगे, तो आज के एपिसोड के लिए हम कह सकते हैं कि 107 ईयर्स कृष्ण भगवान की आयु, इफ यू कैन टेक दैट 5633 BC से लेके 5525, इफ यू डू द सब्ट्रैक्शन द नंबर विल कम टू 108, विच इज मोर देन 107, दैट्स व्हाट इट मीन्स। नाउ हम हरिवंश पे जाते हैं। नाउ आई यू विल से संजय जी कि मैं कभी हरिवंश में जा रहा हूँ, कभी भागवत पुराण में जा रहा हूँ, इसकी रीजन ये है कि जो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो हम ले रहे हैं। कभी 7 वर्ष में क्या हुआ वो भागवत पुराण में है ही नहीं, वो हरिवंश में है। तो हरिवंश में ऐसा कहा है, अभी ये हिंदी में ही है, जन्मे जय वो बता रहे हैं वैशंपायन जी, इस प्रकार श्री कृष्ण और संकर्षण दोनों भाई उसी व्रज में बाल्यावस्था को पार करके 7 वर्ष के हो गए। और मैं इसमें डिटेल में फिर नहीं जाऊंगा, लेकिन एट दिस टाइम उन ऐसा हमें हरिवंश में वर्णन मिलता है कि उन्होंने वो विद इन वो व्रज गोकुल वृंदावन जो कुछ एरिया होगा, और आपको संजय जी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, उन्होंने उनका जो नंद थे उन्होंने उनका अपना जगह मूव किया, सब लोगों ने मूव किया, और उसके रीजंस दिए गए हैं कि कोई वो जो गाय वगैरह लोगों थे उनको कोई जो एनिमल्स लाइक जैकल्स फॉक्सेस उनका ज्यादा ट्रबल होने लगा। ओके, सो ये एक बात है। दूसरी बात, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू श्रीमद् भागवत पुराण, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली डिटेल में हरिवंश में नहीं है। नाउ व्हाट भागवत पुराण टेल्स अस इज दैट कि उसके बाद वो वहां आने के बाद वो थोड़ा उन्होंने ट्रांसफर किया, देन ही वॉज ब्रॉट टू द काउ पैश्चर्स ऑफ हिज फादर नंदा, वेर ही आउट ऑफ फियर ऑफ कंसर टूगेदर विद बलदेवा वॉज केप फॉर 11 ईयर्स लाइक वन कवर्स अ फ्लेम। ओके, सो बलराम और कृष्ण जी उधर रहते हैं 11 साल तक, और ये 11 साल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ये भी इंफॉर्मेशन सब जगह मिलेगी, अलग अलग जगह मिलेगी, कि 11 साल में जब कृष्ण ने और बलराम ने मथुरा में आके और कृष्ण ने जो कंस का वध किया तब कृष्ण 11 साल के थे, ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो तब तक वो वृंदावन गोकुल ब्रज जो कुछ आप कहेंगे वो एरिया में वो रहे। नाउ 11 साल में ये तो हमें देखो अभी तक रेफरेंस क्या है, मैंने आपको जैसे कहा 5633 और आपने मान लिया जैसी बात है, बिकॉज मैंने कोई आपको ऐसा एम्पिरिकल एविडेंस प्रत्यक्ष जिसको प्रत्यक्ष हम क्या कहते हैं इंद्रिय प्रामाण्य वाला कोई मैंने एविडेंस दिया नहीं है, ये तो सुनी हुई बात होने वाली जैसी बात है, यहाँ का रेफरेंस दिया वहां का रेफरेंस दिया, लेकिन वाई 5633? एक रेफरेंस तो मैंने दे दिया कि 6th मिलेनियम में होना चाहिए, क्योंकि जो हरिवंश के वर्णन है वो 6th मिलेनियम को ही श्रावण महीने के लिए वो मैच हो सकते, उसके बाद वो मैच नहीं हो सकते। लेकिन अभी जब कृष्ण मथुरा में आने वाले है और उन्होंने कंस का वध किया, उसके पहले के बहुत सारे इंपेरिकल हम टेस्ट कर सकते हैं, इंद्रिय प्रामाण्य के टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस है, मैं और आपको मैं इधर फास्ट लेके जाऊंगा लेकिन आपको मैं दिखाने वाला हूं। ये आते हैं रेफरेंसेस फ्रॉम हरिवंश, तो ये तो रिपीटेटिव है। अभी जो मार्स है, जैसे अंगारक है हमारे, मंगल है, वो तो घूमते रहते हैं, उनका तो क्या बड़ी बात है, लेकिन जो कुछ छोटे मोटे रेफरेंसेस है वो मैं आपको एक दिखा रहा हूं, एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी ड्रामेटिक रेफरेंस, जो ऐसा रेफरेंस है संजय जी कि वो तब से आज तक जो 7500 साल होके गए उसमें फिर कभी हुआ नहीं है,
ये तो रिपीटेटिव हो सकता है, ये 2 साल में एक बार होगा, लेकिन उस समय की बात कहिए कि हरिवंश में कहा है कि वक्रम अंगारकश चक्रे व्याहरन्ति खरद्विजा। वो समय ये अंधक कंस को बता रहे कि भाई बहुत सारा बुरा समय आया है और डेंजरस साइंस आई सी दिस इज व्हाट इट इज। तो वो कह रहे कि अंगारक वक्र होके दो डोंकी के रथ पे बैठ के प्रवास कर रहे हैं। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं इमेजिनेशन करके कि शायद उनका उस टाइम का पोजीशन लेके, ये मार्च 5622 की बात है जब कृष्णा भी 11 साल होके बैठे, तो ये जो मिथुन राशि हम कहते हैं या पुनर्वसु के जो दो बड़े स्टार है कैस्टर और पोलोक्स, उनको हम गधा कह रहे हैं और रथ के गधा कर रहे हैं और मार्स उसके ऊपर राइड कर रहे हैं। और मार्स, ये ब्यूटीफुल बात ये है, थोड़ा टेक्निकल बात है, कि जो वक्रम अंगारक चक्र, जो अंगारक वक्र हो गए हैं, ये बात महाभारत में भी आती है और अभी ये हरिवंश में आ रही है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि वो वक्र मीन्स एट दैट टाइम जो मंगल है, वो जो इक्लिप्टिक है, सूर्य का जो पाथ है, उसको ऑब्लिकली क्रॉस कर रहे हैं वो, राइट। इफ यू कैन सी, मंगल इज राइट ऑन द इक्लिप्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज यही वक्र वर्णन अंगारक के केस में ट्वाइस और जुपिटर के केस में वंस महाभारत ग्रंथ में आता है और उसी के कारण ही हमें 5561 पहुंचने में भी मदद होती है। तो ये एक पहला रहा, ये बहुत ही सिंपल रेफरेंस है, रिपीटेटिव रेफरेंस है। दूसरा एक उन्होंने कहा कि ग्रस्त स्वरभानुना सूर्यो दिवा नक्त मजायत। तो इस सूर्य ग्रहण की बात चल रही है, स्वरभानु मीन्स राहु उसके लिए कहा जाता है। तो एक तब 8 मार्च 5622 को ये खग्रास सूर्य ग्रहण भी हो गया, लेकिन ये भी कुछ बड़ी बात नहीं है, ग्रहण तो होते ही रहते हैं। ओके, देन और एक बात उन्होंने कहा है कि एष घोरो ग्रह स्वाति मुल्लिखन्ने गभस्ति भी, एक कोई घोर ग्रह लाइक इविल प्लैनेट वाज नियर स्वाति। नाउ उस दिन के लिए कोई इविल प्लैनेट तो 5622 के लिए नहीं दिख रहा है, लेकिन व्हाट यू नोटिस इज कि जो केतु है, जो राहु और केतु हम जो कहते हैं, तो केतु इज राइट एट द स्वाति नक्षत्र, तो वो मैच हो सकता है। लेकिन और कोई आदमी, दूसरा कोई रिसर्चर ये भी दिखाएगा, वहां कोई मार्स भी दिखाएगा या कोई सैटर्न भी दिखाएगा, उसको भी इविल प्लैनेट समझा जाता है, तो वो भी हमें मान्य करना पड़ेगा, लेकिन इधर केतु नक्षत्र है। और एक और सबसे मैं इंपॉर्टेंट इसके बाद दिखाने वाला हूं, और उन्होंने फिर रेफरेंस कहा है कि बुधेन पश्चिमा संध्या व्याप्ता घोरेण तेजसा, कि बुध ग्रह पश्चिम के डायरेक्शन में संध्या के समय में दिखते थे। इसका मतलब ये था कि वो बुध सूर्य के पूर्व में थे और सूर्य अस्त होने के बाद भी बुध देखे जा सकते थे। वो रेयर इंस्टेंस है, लेकिन वो भी रिपीटेटिव इंस्टेंस है। तो ये सूर्य हॉरिजन के नीचे चले गए तब भी मर्क्यूरी आपको स्काई में दिख रहे हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी आप हर एक 2 साल में ये दिखा सकते हैं। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दिस नेक्स्ट वन। मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जैसा आपको कहा कि ऐसा फिर लास्ट 7500 ईयर्स में हुआ ही नहीं है। उस समय और जो दिन है वो 22 मार्च, और ये एक दिन नहीं है, एक्चुअली यू कैन गो फॉर प्लस माइनस 10-15 डेज एंड यू कैन सी इट। ये स्पेसिफिक मैंने 22 मार्च का इसलिए लिया है कि उसका जो वर्णन है वो परफेक्ट 22 मार्च को अप्लाई होता है और होल डिस्क्रिप्शन मैच होता है। ये वर्णन ये है कि उस समय एक धूम केतु आ गया था, बट दैट धूम केतु केम इन अ वेरी यूनिक फैशन, जिसका अपैरेशन इंग्लिश में कहते हैं। वो इतना बड़ा उसका अपैरेशन था कि पूरा उसने जो विजिबल स्काई है वो कवर कर दिया था। तो सनसेट और सनराइज के समय जो वो दिखता है तो पूरा होल स्काई कवर होता था, इतना बड़ा अपैरेशन वेरी रेयरली होता है। एंड नाउ यू कैन सी शो दिस अपैरेशन फॉर कृष्णा व्हेन कृष्णा वाज 11 ईयर ओल्ड 5622। सिर्फ उतना ही नहीं कहा है उन्होंने, कहा कि केतुना धूम केतुस्तु नक्षत्राणी त्रयोदश। धूम केतु इतने बड़े फॉर्म में विजिबल थे कि पूरा 13 नक्षत्र को उन्होंने कवर कर दिया था। 13 नक्षत्र यानी कि पूरा विजिबल स्काई, बिकॉज टोटल पूरा 360 डिग्री में 27 नक्षत्र हमारे पास है। और कुछ कहा है, भरण्यादीनि भिन्नानि नानु यान्ति निशाक्रम। और ये जो कॉमेट है, धूम केतु है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती थी, कहाँ से शुरुआत होती थी वो नक्षत्र को कवर करने की, 13 नक्षत्र, वो भरणी नक्षत्र से होती थी। और ये आपको इधर भरणी नक्षत्र इधर मिलेगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड कहते हैं वो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड दैट दिस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन दैट द हैलेस कॉमेट हैज शोन इन द लास्ट 7500 ईयर्स प्लस इज ओनली दिस ईयर 5622 BC एंड नो अदर।
and I have gone and checked through all of them. Okay, like every 75 years, going back for last 8,000 years. Okay, very beautiful, very unique reference. So that matches. Now you see how it matches with rest of the evidence. Now हम fast forward करते हैं. तो फिर कृष्ण ने कंस का वध कर दिया. तब वो बाद में उधर ही रहे, तो मथुरा में ही रहे, लेकिन जो उग्रसेन थे उनको वो तो राजा बन गए. What is his age at the time of Kansa Vadh according to this? बताइए उनकी आयु क्या थी कृष्ण वध कंस वध के समय? 11 राइट, 11 इयर्स. ओके, और वो प्राप्त यवन मीन समझ लो 16 तक की, लेकिन आई एम सेइंग उसके बाद वो 3-4-5 साल वो यमुन मथुरा में ही रहे. दैट इज व्हाट दिस वर्णन इज कमिंग, युवावस्था होने तक. और फिर वसुदेव को चिंता होने लगी कि बोले कि भाई ये तो एंजॉय कर रहे, घूम रहे सिटी में, लेकिन स्टडी अभी तक किया नहीं है. तो इसी समय उन्होंने उनको ये सोचा कि अभी सांदीपनि मुनि के यहाँ उनको भेज देते हैं. तो ये जाई असलम जी जो हमारे यूके के फ्रेंड है, उन्होंने किया हुआ पेंटिंग्स है. सुदामा, कृष्ण सुदामा दिख रहा है. क्या कृष्ण सुदामा लग रहा है सांदीपनि? कृष्ण सुदामा है, करेक्ट. ये ब्लैक एंड व्हाइट उनका पेंटिंग है. ये कृष्ण है, ये सुदामा है, और ये कलर्ड में भी उनका है. तो कृष्ण तो पूरे कवर्ड हो जाते हैं. तो उनके ये आश्रम में है. और उन्होंने जो आपने जो कही थी ना बात, वो अभी मैं बताता हूँ. आपने बोला था 64 लाइक 64 कला अहोरात्र चतुष्षष्ट्या, यू नो, उन्होंने वेरी फास्ट वेरी इफिशियंट मैनर से ये पूरे 64 कला आत्मसात कर ली कृष्ण जी ने. ओके, और थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसलिए. लेकिन उसके बाद जब गुरु दक्षिणा के जब समय आता है, जैसे कि आजकल के हमें अभी NEP चल रहा है, यू नो, आई मीन न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्हाट नॉट, और दुनिया में भी एजुकेशन का चैलेंज होके बैठा है. सी, वो हमारे जो गुरुकुल सिस्टम की आप सिस्टम याद करें, तो पहले गुरु ये स्टूडेंट को ही लेगा विच गुरु थिंग्स की क्वालिफाई है कि नहीं तो गुरु डिनाई कर सकता है. हमें उपनिषद में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि गुरु कहे, या इवन परशुराम कर्ण को लेते हुए बोल सकते हैं कि मैं नहीं लूंगा, द्रोणाचार्य एकलव्य कि मैं लूंगा कि नहीं आप एज अ शिष्य. ये आजकल तो ऐसा है कि पैसा है तो एडमिशन मिलेगी या देनी पड़ेगी, बाकी सब है तो. लेकिन उसका जो दो टाइप के डिग्रीज थे तब, एक जो था उसको व्रत स्नातक कहते थे, दूसरे को विद्या स्नातक. व्रत स्नातक मीन्स डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन में परफेक्शन लाया है. विद्या स्नातक मीन्स नॉलेज में भी परफेक्शन लाया है. और फिर दोनों भी आपको डिग्रीज मिल सकते हैं, लेकिन एक डिग्री तो मिनिमम आप प्रयत्न करना चाहिए. किसी को विद्या में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो वो व्रत स्नातक ले सकता है. कृष्ण ने तो दोनों ही ले लिए. उसके बाद जब निकलने का समय आया, तो अभी गुरु दक्षिणा की बात आ रही है, तो कृष्ण ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कृष्ण ने सांदीपनि को पूछा कि मैं क्या करूं आपके लिए. सांदीपनि जी ने बोले कि भाई आप भूल गए ट्यूशन देने की, ट्यूशन पे नहीं किया रजिस्ट्रार में, ऐसा नहीं कहा. लेकिन कृष्ण ने कहने के बाद फिर सांदीपनि ने कहा कि मेरा जो लड़का है वो किसी ने स्नैच करके लेके गया हुआ है, और इफ यू कैन ब्रिंग दैट विल बी ग्रेट. देन कृष्ण एंड बलराम गो, they go across the oceans. Okay, that is what वो पंचजन जो था, हाँ वो आ रहा है. देखो मैं आपका हाईलाइट करके रखता हूँ इधर. ये लिखा है ना, ये पंचजन का, पंचजन का समुद्रस्तम वाचेदम दैत्य पंचजनो महान किम रूपेण तम बालम ग्रस्तवानिति माधव. ये ग्रस्त करके अपहरण करके ले गया. और माधव नाम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इधर कि वो देखो कृष्ण का भी, फिर वो लंबा डिस्कशन होगा. लेकिन जो ऋग्वेद में जो हम जो ऋग्वेद के जो पांच अलग है, ये पंचजन्य के साथ कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है. लेकिन उसमें जो द्रुयु अनु और तुर्वसु और यदु ये जो कहे हैं, तो उसमें से तुर्वसु और यदु के वंश में कृष्ण आते हैं, और उसमें ही मधु आए थे. जैसे कि उनको हम कभी कभी राक्षस मीन्स हम एकदम डीमन सोचते हैं, राक्षस मीन्स डीमन नहीं है, लेकिन वो मधु वंश में आए थे. जैसे मथुरा, ये मथु मधु से नाम आया है मथुरा का, तो उनके वंशज में आए, इसलिए उनको कृष्ण को माधव कहा गया है. आपको आपको तो संजय जी पता होगा, लेकिन हमारे दर्शकों को जो सुन रहे हैं, महाभारत में मल्टीपल टाइम्स सात्यकी को माधव कहा है, बिकॉज वो सेम वंश से आ रहे हैं, वो सेम बिगर डायनेस्टी से, तो वो नाम है. तो ये जो कथा हुई, उन्होंने तो कृष्ण उन्होंने अपने सांदीपनि के लड़के को तो लेके आया वहां से पंचजन से, और उनके साथ उनको डिफीट किया, तो उनका शंख भी ले लिया.
ओके, वही जो पंचजन्य वही शक्ति, पांच वही जन्य है, पांचजन्य, पांचजन्य पंचजन का शंख जो है ऋषिकेश, वही पांच जन्य है। राइट, देवदत्त धनंजय। तो पांचजन्य जी ऋषिकेश का कहाँ से आया? उसकी शुरुआत यहाँ से है। उन्होंने मे बी ही इज लाइक अ 16, 17, 18, 20 समवेयर वो देयर। मैंने हरिवंश वाला जो पूरा वृत्तांत है वो मेरी कृष्ण गोपेश्वर में लिखा है, दैट्स वेरी गुड दैट यू, योगेश्वर में, कृष्ण हाँ, योगेश्वर में। और बहुत अच्छी बात की आपने कि वो लिया। और कभी कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन हरिवंश में नहीं मिलती तो आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है, राइट? इसी बात भी कभी कभी हो जाती है। ओके, तो हम फास्ट फॉरवर्ड, अभी ऑलमोस्ट हो गया, देन फिर मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, आई मीन आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड देन विल डू इट। नाउ आई एम गोइंग टू फास्ट फॉरवर्ड टू द महाभारत टाइम। तो याद कीजिए 5633, लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ संजय जी, 5633 BC में उनका जन्म हुआ है। फिर 11 ईयर्स में उन्होंने कंस को मारा, 16 ईयर्स तक वो मथुरा में रहे, उसके बाद सांदीपनि ऋषि के यहाँ गए, फिर आए, फिर उनकी बहुत सारी कथाएं होती है इन्हें, उनका उनका वेडिंग, उनका सब, बच्चे होना, हाँ, बाल, फिर उसके पहले जरासंध से संघर्ष होता है, हाँ, जरासंध के बाद फिर वो आपका वो और दुर्योधन पांडवों के का साथ प्रभाव मिलना, आता ये है, राइट, फिर वो सब सब दुर्योधन। होता है। और फिर हम तो वैसे फास्ट मैं बता फॉरवर्ड, दूँ, ये सारा वृत्तांत मेरी दोनों पुस्तकों में है। ये हाँ, तो इसलिए कंस मैंने वध, कवर नहीं किया संजय कंस जी। वध तक का कृष्ण गोपेश्वर में है, और हाँ, कंस वध के बाद से महाभारत युद्ध के आरंभ तक कृष्ण गोपेश्वर में। मैंने आपका ऑफकोर्स एक ही, मेरे अभी तक पास एक ही उसमें किताब क्रोनोलॉजी पढ़ी है। नहीं है, हाँ, ये बात अलग है। मैंने आपकी एक ही किताब पढ़ी है, मुझे सब पढ़नी है। जो आपके नंबर दो, दो की किताब क्या, कृष्णा योगेश्वर, योगेश्वर, हाँ, वो मैंने, मेरे पास है और मैं पढ़ी है। तो अभी हम महाभारत के समय में आ जाते हैं। तो कृष्ण और अर्जुन भी इसलिए अराउंड 70 ईयर्स के थे, 72 ईयर्स के हो जाते। तो 16 अक्टूबर से 2 नवंबर तक वो चला। अभी ये तो हम इसमें जाएंगे नहीं, हम तो वो तो हम बहुत बार पहले बात भी कर चुके हैं, लेकिन महाभारत में ही 300+ एस्ट्रोनॉमी एविडेंस है, 100 से ज्यादा रिवर सरस्वती के एविडेंस है, फिर बाकी जो साक्ष्य है महाभारत में जिसका हम जियोलॉजी एविडेंस के साथ, हाइड्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, उसके साथ पूरा संबंध लगा सकते हैं, और सबके कारण वही जो अभी जो 5561 BC का है वही दिन आ जाता है। ओके, नाउ हम थोड़ा आगे चलते जाते हैं। नाउ जब जब कृष्ण की बात आएगी संजय जी, आपको पता है, तो कलयुग की बात आती है हमारे लिए। तो जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, साधना करने वाले, उनके लिए कलयुग की राइट। बात आएगी, बिकॉज वो इतना हमारे मन में वो कनेक्ट होके बैठा है। नाउ ये बात अलग है कि युग भी अलग अलग तरह के हैं, एस्ट्रोनॉमी वाले युग है, फिलोसॉफिकल युग है, प्रैक्टिकल युग है, क्रोनोलॉजिकल युग है। तो हम महाभारत में जब बात कर रहे हैं, तो हम महाभारत का जो सिद्धांत है, महाभारत की जो ट्रेडिशन है आप कह सकते हैं, उससे कलयुग कब शुरुआत हो रही है उसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये कहा करके। तो मैं अभी फिर मध्वाचार्य की एक बात कही थी कि मध्वाचार्य जी ने कहा है कि कृष्ण का जो पूर्ण आयु थी वो 107 ईयर्स वाली थी। वही ग्रंथ से जो महाभारत आत्मनिर्णय में उन्होंने ऐसा कहा है, जो मुझे वो मध्वाचार्य संप्रदाय के स्वामी जी से मिल गया, कि ऐसा एक स्टेटमेंट आता है उनका विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कंसिस्टेंट है। वो हरिवंश के साथ कंसिस्टेंट है, महाभारत के साथ कंसिस्टेंट है। हमने तो, आप, मैं और जीवन राव ने एक प्रोग्राम भी किया था इसके ऊपर। तो जो कल वो मध्वाचार्य कहते हैं, समारब्धम कलियुगम तदा दुर्योधनो पतत। जब दुर्योधन का पतन हुआ, दुर्योधन को मारा गया, तब कलयुग की शुरुआत हुई। लेकिन व्हाट ही सेज अगेन, रिमेंबर ही इज अ कृष्ण भक्त, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मध्वाचार्य इज सेइंग इट, इज सेइंग क्षतत्रि शाब्दम पुनः कृष्ण कृतमेवान्व वर्तयत। लेकिन जब तक कृष्ण थे, तो कृष्ण एडिशनल 36 ईयर्स के लिए उधर थे, तब तक उन्होंने बिकॉज ऑफ उनका प्रेजेंस के कारण सत्ययुग का ही, सत्ययुग जैसा ही एटमोस्फियर रखा। ओके, कृतयुग जैसा ही एटमोस्फियर रखा अंटिल ही गोस इवेंट अवे। लेकिन मध्वाचार्य ये कह रहे हैं कि कलयुग की शुरुआत तो दुर्योधन का जब वध हुआ, तब दुर्योधन के पतन के साथ ही हो गई, दुर्योधन को जब मारा गया तभी। हरिवंश भी यही कहता है, हरिवंश थोड़ा अलग भाषा में कहता है, आपने देखा होगा, हरिवंश ये कहता है, और लेकिन ये जीवन राव जी का ये संशोधन है। हरिवंश कहता है कि जब अश्वत्थामा ने रात में आके द्रौपदी के पुत्रों को मारा, और कौन थे वो, धृष्टद्युम्न, और कौन थे संजय जी, शायद शिखंडी है ना, और कोई नाम मैं भूल सकता हूं, उनको जब 18th नाइट में, मिडनाइट में मारा, तो कलयुग की शुरुआत हो गई। ऐसे हरिवंश में भी कहते हैं। और फिर जीवन राव, समारब्धम कलियुगम यदा दुर्योधनो पतत हाँ, शस्त्रम शाब्दम पुनः कृष्णः कृतमेवान वर्तयत। यस,
हरिवंश में भी यही कहा है, अश्वत्थामा का रेफरेंस देखें, वो सेम दिन की बात है। और महाभारत में जो जीवन राव ने एक समझ लो 100 से ज्यादा रेफरेंसेस लेके जो हमने किया था, बात किया था, फिर हम कभी करेंगे और उसमें डिटेल में जाके, तो वही समय आता है कि युद्ध का लास्ट दिन, लास्ट डे, 18th डे। फिर महाभारत उसकी नक्षत्र भी बताता है, इसलिए नक्षत्र उसका पुष्य है करके मेनी टाइम्स महाभारत में भी और ग्रंथों में भी कलयुग को पुष्य युग और तिष्य, तिष्य इज अनदर नेम फॉर अ पुष्य, तिष्य युग ऐसा कहा गया है, बिकॉज उसकी शुरुआत पुष्य युग से हो गई। ये सब चीजें 2 नवंबर 5561 BCE को मैच होती है। आपको ऐड करना है संजय जी? मैं अभी, अब मेरे पास 2-4 स्लाइड होगा आगे, तो फिर मैं जाऊंगा। नहीं, आप इसको ठीक है, कंटिन्यू हाँ करें। आप बात करते हैं, फिर हम लास्ट इवेंट पे आ जाते हैं। तो मैंने एक महाभारत का बड़ा इवेंट हो गया, मैंने ऑफ कोर्स बीच में इवेंट्स थोड़े स्किप कर दिए, जो आप संजय जी के बुक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद तो ओरिजिनल महाभारत भी आप चले जाना चाहिए जो लोग सुन रहे हैं ये। फिर हम द्वारका पे आते हैं, बिकॉज एज अ कृष्ण का, इसमें कृष्ण के चरित्र में बाकी भी घटना हुई, लेकिन सबसे बड़ी घटना उसके बाद वाली जो है कि कृष्ण का चला जाना, परिनिर्वाण होना, और द्वारका का डिस्ट्रक्शन होना। ओके, सो हम द्वारका पे आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज, नाउ देयर कैन बी, जब हमारे बिलीफ होते हैं तो उसमें थोड़े अलग अलग ढंग निकल सकते हैं। उसमें एक आप बताइए संजय जी, आपने यही सुना या नहीं, लेकिन जब मैं संशोधन करते रहा तो मुझे एक जगह मिल गया, और भी हो सकता है, कि भालका तीर्थ करके एक जगह है गुजरात में, वो अपना सोमनाथ के एकदम ही नजदीक है, और सोमनाथ के दक्षिण में मूल द्वारका कहते हैं। वो मूल द्वारका तो वहां है नहीं, वो तो समुद्र में है, लेकिन वहां से परफेक्ट डायरेक्शन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द्वारका है। और उसके सोमनाथ के उत्तर में ऐसे ही किनारे ओशन शोर पे ही एक भालका करके जगह है, कि जो ऐसी जानी जाती है कि वहां कृष्ण ने, अब कृष्ण का निर्माण हुआ। वहां तब जंगल था, और कृष्ण जंगल में जाके बैठे बलराम को ढूंढते ढूंढते, तब उनका वहां निर्माण हुआ। अगेन मैंने पहला जो मध्वाचार्य जी का जो वर्ष था, मैं वो ला रहा हूँ, इसलिए मैं ला रहा हूँ। अच्छा संजय जी, अलग, ये तो उनका मुझे बहुत मदद हुई, और वो मैच भी होते हैं सब रेफरेंस के साथ, लेकिन कोई लोगों को, जिनको ज्यादा काम नहीं है, वो ऐसे कहते हैं कि नीलेश ट्रेडिशन को मानते नहीं। मैं बोला कि वो मानने न मानने की बात नहीं है, देखो कोई चीज ऐसी होती है कि जब महाभारत में एक चीज हो, भागवत वैसे भी पुराण में सनातन धर्म मानने हो। का नहीं, जानने का हाँ, आई ज्ञान लव है। इट, या इट इज नॉट अबाउट द बिलीफ, बट इट इज अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन, राइट? इसलिए मानने से अधिक जानना महत्वपूर्ण है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। और जब कॉन्फ्लिक्टिंग दो आ जाते हैं, तो हमें ये डिसाइड करना ही है कि दोनों में से ज्यादा सुटेबल कौन सा है। ओके, दैट इज व्हाट इट इज। अगेन, सो 107, अगेन व्हेन आई एम नॉट टेकिंग 107 ये नंबर फ्रॉम मध्वाचार्य संप्रदाय, जस्ट ऑन सम इमोशन, और ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज इट मेक्स सेंस। नाउ ये पॉसिबल है कि उसमें मध्वाचार्य संप्रदाय में कोई और बात हो कि जो मैच नहीं होती होगी महाभारत इसमें, लेकिन संप्रदाय में वो बात मानी जा सकती है, राइट? बिकॉज वो मानने वाली बात है, आपने कहा वैसा, इट इज बिलीव्ड, इट इज एक्सेप्टेड। और जो शिवाजी के जो गुरु थे समर्थ रामदास स्वामी, उन्होंने तो कहा है ना कि सामान्य सामान्य आदमी, और इवन उन्होंने कहा है कि संप्रदाय उसमें भी जो बातें होती है वो अनुमान और तर्क पे चलती है, बट उनका अनुमान का अर्थ उधर अलग है, अनुमान का अर्थ है उधर अंदाज, और तर्क का अर्थ है स्पेक्युलेशन। सो अंदाज और स्पेक्युलेशन से भी कोई चीजें होती है कि जहां जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कोई मिलती नहीं, तो इसलिए आपने जो कहा कि वो सिर्फ पढ़ने वाली या सुनने वाली बात नहीं है, वो समझने वाली बात है। तो ये 107 फिर अगेन आपको मैच हो रहा है करके मैं दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूं कि तब कृष्ण निर्वाण हुआ। और एक दो बातें ना, कृष्ण का जो आपके बुक में ये बहुत सारे एम्फेसिस से ये बात आती है कि उसमें आपने योगेश्वर कृष्ण, गोपेश्वर कृष्ण, उनकी बुद्धिमत्ता कैसी थी, उनका व्यवहार चातुर्य कैसा था, ये सब की बात की है आपने, डिप्लोमेसी, राइट, स्टेट क्राफ्ट की आपने बात की है। नाउ इसलिए मैं एक एक उदाहरण ले रहा हूँ, ये तो अपना साइंटिफिक टेक्निकल आज का उदाहरण है, कि इसमें ब्यूटीफुल ट्रायंगुलेशन ऑफ तंत्र युक्ति तर्कशास्त्र और विज्ञान बुद्धि है, कि जो कि कृष्ण, भगवान कृष्ण ने अपने खुद के आयुष्य में दिखाई। उसमें मैं आपको एक ह्यूमरस कथा भी बताता हूँ, प्रोफेसर बलराम सिंह मेरे साथ, वो हमारे, बाय द वे अभी जो महा रामायण की बुक, जो मेरी बुक है उसके उसके अब्रिज बुक की
हिंदी में उसका भाषांतर होके उसका प्रकाशन भी हो गया। डॉक्टर नंदिनी नारायण उन्होंने उसकी भाषांतर किया। तो वो प्रोग्राम में बलराम जी जूम पे ही था, बलराम जी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, वो अभी अयोध्या के एरिया के ही है, तो उन्होंने अपने अंकल को पूछा कि सब उनके घर में राम भक्त हैं, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा अंकल जी आप राम भक्त तो है लेकिन बहुत झूठ बोलते हैं ना। तो अंकल ने बलराम जी को उसी, देखो ये थोड़ा चातुर्य हुआ, करेक्ट चातुर्य नहीं है लेकिन मजेदार बात है। तो अंकल ने बलराम जी को कहा कि बेटा ये तो वो तो भगवान है, हम तो सामान्य आदमी है, दोनों का कंपैरिजन भी करना गलत है। भगवान सत्य बोलेंगे, हम नहीं सत्य बोलने की जरूरत है ना। स्वामी सिंह लोग थोड़ा जैसा उनको चाहिए वैसा कर सकते हैं, बोलते हैं वो एकदम कंपैरिजन करना भी गलत है, वो भगवान है हम ऐसे करते हैं, तो ये बात करेक्ट नहीं है। एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, भगवान ने जो आके अवतार कार्य में पूर्ण पुरुषोत्तम हो या कोई भी अंश में हो, उन्होंने जो दिखाया है उसका हम गाइडेंस लेके करना चाहिए। तंत्र युक्ति सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं, तर्कशास्त्र सिर्फ कृष्ण ही करेंगे और विज्ञान बुद्धि सिर्फ कृष्ण ही अप्लाई करेंगे, हम तो हमारा दिमाग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, दिस इज अ वेरी सॉलिड एविडेंस फॉर फ्लडिंग ऑफ द्वारका। और नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दैट इज माय लास्ट स्लाइड, कि कितना रिच एविडेंस है द्वारका का जो फ्लडिंग हुआ 55-25 BC में। लेकिन देखो आप ना, ये द्वारका का कब फ्लडिंग हुआ करने, कृष्ण की द्वारका कब चली गई, उसके लिए आप जैसे गुजरात कोस्ट में जाके ढूंढने लगेंगे तो कुछ उपयोग नहीं होगा। पहले आपको ढूंढने के पहले ये पता चाहिए कि भाई महाभारत कब हुई, तो उसके लिए तो आपको गुजरात के कोष में घूम के कुछ होने वाला नहीं है, वो तो महाभारत टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। जब सपोज उसमें आपको जो डेट समझ में आ गई 55-61 BC, उसमें अभी आप 36 इयर्स ऐड कर दो तो 55-25 BC आती है। नाउ आप गुजरात कोस्ट पे जा सकते हो। गुजरात कोस्ट ही क्यों, पहले तो गुजरात कोस्ट चले जाओ, लेकिन आप दुनिया के कोस्ट में चले जा सकते हो। मैं आपको दिखाने वाला हूँ 8 अलग अलग साक्ष्य, दुनिया भर के साक्ष्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पे। लेकिन ये जो है ये 2017 का पेपर है, ये पेपर नेचर मैगजीन का पेपर है, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये गुजरात का नहीं है, ये है सुमात्रा, इंडोनेशिया के जो सुमात्रा जो प्रदेश है, सुमात्रा जो आइलैंड है, जो जहाँ टोबा एक्सप्लोजन भी वहाँ ही हुआ था, वो आइलैंड का ये मैं एविडेंस दिखा रहा हूँ आपको। ये जो आपको पता होंगे ट्विटर में सावित्री मुमुक्षु जी, तो उन्होंने मुझे शी ब्रॉट इट टू माई अटेंशन, वेरी ब्रिलियंट वे दिस रिसर्च इज डन, सो आई थॉट दिस इज वेरी क्यूरियस, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उन्होंने क्या किया, देखो ये जो टॉप लेफ्ट में जो आपको केव दिख रही है, तो ये ओशन है, उसके ओशन के साइड में हिल है और हिल में एक ये केव है, और वो केव अभी देखो लास्ट 20,000 ईयर समुद्र का पानी ऊपर 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 आ रहा है। उसके पहले इफ यू गो बैक टू 35,000 40,000 ईयर्स अगो 50,000 ईयर्स अगो, तब पानी नीचे नीचे जा रहा था। वो नीचे कब तक गया, सबसे लोवेस्ट गया बाय द टाइम 26,000-20,000 BC, इतना साल पहले, हजारों साल पहले, और बाद में लास्ट 20,000 वो ऊपर आ रहा है। तो जब वो ऊपर आ रहा था बहुत समय के लिए, इसकी जगह ऐसी थी कि वो समुद्र का पानी कभी उसमें केव में जा ही नहीं सका, बिकॉज केव तो ऊपर हाइट पे है, लेकिन समुद्र का पानी ऊपर ऊपर आ रहा है। एक समय ऐसा आ गया कि वो अभी नाउ जा सकता था लेकिन जा नहीं रहा था क्योंकि समुद्र का लेवल इतना ऊपर नहीं हुआ है। लेकिन जो अभी हमारा जो रेफरेंस की जो रेफरेंस का प्रारंभ होता है वो महाभारत के द्वारका के फ्लडिंग के साथ ही होता है। एक ऐसा समय आ गया कि जब तब वो सुनामी आ गई, वो सुनामी कह रहे हैं, यू कैन से द रीजन कैन बी एनीथिंग, बट समुद्र का पानी सडनली हाइट ऊपर हो गया तो पानी केव में अंदर चला गया। ये मैं इसको आपको बॉटम लेफ्ट में दिखा रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन वेरी क्यूरियस और वेरी इंटरेस्टिंग है कि क्या रिसर्च किया जा सकता है। तो देखो ये जो केव है, तो ये इधर समुद्र है लेफ्ट में, लेकिन ये जो इधर का केव सील है ना, कि उसका हाइट ऊपर है तो पानी इसके ऊपर जा नहीं सकता, तो केव में पानी जा ही नहीं रहा है समुद्र का। लेकिन जब समुद्र की हाइट ऊपर हो गई या समझ लो सुनामी आ गई या सडनली पानी ऊपर हो गया, जैसा कि 55-25 BC में हुआ था, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो पानी इसमें ऊपर चला गया जैसा ऊपर दिखाया है वैसा। नाउ क्या हुआ, इफ इट्स अ सुनामी और सडनली फॉर सम टाइम पानी ऊपर चला गया, तो उधर तो पानी रहा, उसके साथ उसने सैंड भी लाया, उस टाइम का ऑर्गेनिक मटेरियल भी लाके डिपॉजिट किया केव में, लेकिन वो पानी पीछे चला गया और जो बचा हुआ पानी है वो इवेपोरेशन से निकल गया। उसके बाद वैसे ही रहा अंटिल नेक्स्ट सुनामी आ गई। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो लेयर्स है ना,
वो एवरी टाइम अ न्यू सुनामी केम इट डिपॉजिटेड अ सैंड, अ लेयर ऑफ सैंड, और उसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है तो फिर आप डेट कर सकते हैं उसको. तो ऐसा करके उसका डेटिंग किया हुआ है. तो जो पहले का है वो 7500 ईयर्स अगो, यानी कि 5525 BC, और उसके बारे में उसके आगे ये रिपीट्स है. सो समथिंग वेरी ब्यूटिफुल दैट दे थॉट ऑफ दिस कैन बी यूज्ड. एंड नेचर की भी कमाल है इसमें. नेचर मीनिंग नेचर मैगजीन की नहीं कह रहा हूँ, उनकी भी तो है, उन्होंने पब्लिश किया. लेकिन नेचर इधर जो निसर्ग की कमाल है कि कैसा वो एक हो गया. मेरे लिए वो वेरी वेरी फैसिनेटिंग है 2017 का पेपर. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू से जस्ट अ समरी ऑफ इट फ्रॉम 8 डिफरेंट लोकेशन. संजय जी, इसमें से हमने शायद पहले कभी डिस्कस भी किए होंगे. हाँ, एक बार किया है, एक बार आरंभ में काफी. हाँ, मेरे ख्याल से काफी समय हो गया उसको. समय हो गया. लेकिन आज जो मैं अभी दिखाया आपको पहले पेज में, यही इसलिए मैंने वही पिक्चर रखा, वो है आचे बांदा इंडोनेशिया, जो सुमात्रा का जो आइलैंड है, सुमात्रा का टिप है. इनफैक्ट दिस बांदा आचे इज वेरी वेरी क्लोज टू अपना हमारा जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है उसके बहुत ही क्लोज है वो, यू नो, ये पर्टिकुलर एरिया. वेरी इंटरेस्टिंग. तो आई विल कम, सो मैंने तो एक्सप्लेन किया. लेकिन सबसे जो बिगेस्ट एविडेंस है वो तो द्वारका में ही है, अरेबियन सी में, 5525 BC में, राइट इन द मिडल ऑफ 6 BC, यानी कि वो समय सडनली 15 meters, यानी कि 50 feet, यानी कि आप बिल्डिंग कितना टॉल हो सकते इमेजिन कर सकते उतना, दिस इज द एवरेज नंबर, इतना सडनली पानी ऊपर बढ़ गया और उसमें द्वारका चली गई. ओके, दैट इज दैट एविडेंस कम्स फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट, लाइक 7 पेपर, जारिंस का 2000 का पेपर है. देन उसी समय आपको पूरा दुनिया में कुछ तो ओशनोग्राफी में हुआ था. नाउ उसके कारण में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप कैरेबियन में चले जाओ, वेस्ट इंडीज में चले जाओ, तो उसमें 7 लोकेशंस है और एवरीवेयर कंसिस्टेंटली 6.5 meters सडन राइज ऑफ सी वाटर, यानी कि 20 feet अप्रॉक्सीमेटली सडन राइज ऑफ सी वाटर इवन एज फार एज कैरेबियन. देन जो तीसरी बात हमने शायद पहले की होगी कि जो ब्लैक सी हम कहते हैं अभी टर्की के यहाँ का, जहाँ इंडिया और एशिया मिलते हैं, सॉरी एशिया और यूरोप मिलते हैं इस्तंबुल में, उसके यहाँ जो ब्लैक सी है वो पहले ब्लैक सी था ही नहीं, वो एक स्वीट वाटर लेक, छोटा सा लेक था. अभी जो बड़ा ब्लैक वाटर, ब्लैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर वाला जो सी है, वो ब्लैक सी का फॉर्मेशन ही जो हुआ वो 5525 BC में हुआ. ये रायन और पिटमन, ये दो जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के यहाँ के, हमारे न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये सब प्रमाण सिद्ध किया है. डिफरेंट 9 पैरामीटर्स लेके वो सिद्ध किया. नाउ जब ये द्वारका में पानी बढ़ रहा है तो एग्जैक्टली सेम टाइम ईस्ट कोस्ट पे पुम्पुहार में, जो पुम्पुहार में बहुत सारे पुराने पोर्ट्स है कि वो जो 20,000 साल के पहले तक के पोर्ट्स है, वेरी सोफिस्टिकेटेड पोर्ट्स है, वो तो पहले ही चले गए थे. एक पोर्ट्स P3 करके वो पहले ही 18,000 में चला गया. देन P2 8,000 10,000 BC 10,000 ईयर्स चला गया. और P3 वो जब चला गया, वो चला गया 5525 BC में. लेकिन सिर्फ वो पोर्ट चला नहीं गया, जो समुद्र का जो पानी था वो इतना इंग्रेस करके अंदर इनलैंड आ गया, 10-20 kilometers इनलैंड आ गया अंटिल मायूरम. और अंदर आने के बाद वो वहाँ ही रहा, वैसे ही रहा नेक्स्ट 1000+ years. तो समझ लो हम 5525 की बात कर रहे हैं, तो मायूरम नाउ इट इज अ इनलैंड 10-20 kilometers इनलैंड, बट इट वॉज अ पोर्ट. It was a port in 55. Which is now called Mayiladuthurai. Haan, there you go. Mayiladuthurai, right? Uska matlab yes, I served as an election observer in that constituency. Achha. Then represented by the redoubtable Mani Shankar Iyer. Iyer, interesting. So, of course, he lost that election. He lost the election that time? That particular election he lost. So you have been to that place, and I think it means where the peacocks dance or something, right? The yes, way yes. Mayuram, basically Mayuram. Yeah. Mayuram, huh? So there also the Mayuram. So you have seen how far inside it is from the ocean now. 10-20 kilometers. Quite far, actually. But it was a port, and it acted as a port for 1,000-2,000 years. उसके बाद पानी पीछे जाने लगा, जैसे exactly same situation happened in Gujarat also. कि जो धोलावीरा और जो लोथल, ये जो जगह है, वो जो पोर्ट्स थे ना, आप उसका समय भी आपके आपको पता भी होगा, लेकिन आप उसका समय जाके देखिए, जरूर देखिए, जो सुनने वाले वो भी देखे, आपको मिलेगा धोलावीरा और लोथल का जो पोर्ट होने का जो समय है वो है अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा आगे पीछे जाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 4000 BC से 2000 BC तक.
या 5000 बीसी से 2000 बीसी तक। उसका कारण ही यह है कि तब उधर भी 15 मीटर्स राइज हो गया था। इनफैक्ट फिफ्थ मिलेनियम में एडिशनल 8 मीटर्स राइज हो गया था। अभी का जो वेस्ट कोस्ट पे जो पानी है गुजरात में सी लेवल है उससे प्लस 3 मीटर्स एवरेज लेवल ऊपर पानी की थी। इसका मतलब अभी जो कोई लैंड है, अभी हम जो लैंड पे कहते हैं उसके ऊपर भी पानी था बहुत सारे जगह, और इसलिए वो ढोलावेरा और लोथल की नदी गया था। तो वो भी वेरी कंसिस्टेंट एविडेंस। देन ग्रेट बैरियर रीफ में आपको जो रीफ का जो ग्रोथ होता है उसमें सडन जो चेंज है एक जगह का और सडन उसको इंक्रीज जो नोटिस किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो द सेम टाइम लाइक 6 मिलेनियम BC। ये आचे बांदा का तो मैं आपको बोल दिया, इधर ही देखो डेट्स देखो आप देख सकते हैं कि जो पहला पानी नहीं जा रहा था वो 7400 BP। सिंप्लिसिटी के लिए यू कैन सब्ट्रैक्ट 2000 तो वो हो जाता है 5400 ईयर्स के पहले। Now, जब ये डेट रिसर्च होता है तो उसके लिए रेंज रहती है, इट्स नॉट गोइंग टू गिव अ एग्जैक्ट ईयर, राइट। तो दैट एग्जैक्टली दैट टाइमिंग ऑफ दैट 5525 BC, उसके पहले उधर कोई कुछ नहीं है लेयर्स, और उसके बाद इमीडिएटली उधर सुनामी की लेयर्स अंदर इस्टेब्लिश हो गई है। देन रिसेंटली किसने मुझे बताया पता नहीं, शायद ट्विटर में या फेसबुक में मुझे किसी ने ऐसा ही, मेरा द्वारका का टॉक सुनने के बाद आपके साथ होगा या और किसी के साथ, तो उन्होंने मुझे रेफरेंस भेजा डॉगर बैंक UK का। तो वहां भी जो एक डॉगर बैंक का जो आइलैंड है वो भी सडनली जो नष्ट हुआ, सडनली सी लेवल राइज हुआ, वो भी 5525 BC। तो किसी ने मुझे, हमारे जो संशयी लोग रहते हैं वो बोला कि अच्छा उसका द्वारका के साथ क्या संबंध है। मैं बोला सिर्फ डॉगर बैक जोन सुन के नहीं होगा, आपको मेरी महाभारत बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको मेरे 400+ टॉक सुनने पड़ेंगे, ब्लॉग पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको कुछ संबंध लग जाएगा। और सिमिलरली आप तो संजय जी, आप तो कैप्टन थे बोट पे, आप मेन गए होंगे तो दिख के नहीं समझेगा मेन USA में लाइक ओरोनो या ऊपर का, बट देयर ऑल्सो देयर इज अ वेरी सॉलिड एविडेंस ऑफ सडन सी लेवल राइज अराउंड द मिडल ऑफ 6th millennium BC। तो दीज आर द थिंग्स। वन मोर थिंग, इफ आई कैन गो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इससे ये एक क्या निर्माण हुआ, ये कृष्ण का एक हम सिर्फ इंस्टेंस ले रहे हैं कि जब खांडव वन दहन हुआ तो जैसा उनको पांचजन्य शंख मिल गया उधर पंचजन्य से, सिमिलरली संजय जी आपने लिखा होगा आपके बुक में कृष्ण जी को यहाँ क्या क्या मिल गया खांडव वन का जब दहन किया तो, तब उनको चक्र मिल गया, उनका जो सुदर्शन चक्र जो आ रहा है वो उनके पास आया, और अर्जुन को अग्नि ने तब गांडीव धनुष दे दिया। तो ये जो गांडीव धनुष का जो था, ये भी है कि सुदर्शन चक्र परशुराम ने दिया है, परशुराम ने दिया है, तो इसमें क्या उनको मिला, कुछ तो एक कृष्ण को भी एक मिला खांडव वन के समय, और अर्जुन को गांडीव जो धनुष है वो खांडव वन के समय मिला। एक्चुअली ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है ये विराट पर्व से है, लेकिन उसकी बात तब की हो रही है। एनीवेज हमारे रेफरेंस के लिए ये है, तो ये खांडव वन दहन का एग्जैक्ट समय कौन सा ये मुझे मिल नहीं रहा था सालों साल, मीन्स 5561 महाभारत युद्ध तो हो गया, 5525 द्वारका फ्लडिंग भी एविडेंस था, लेकिन इवन एविडेंस छोड़ो कोई रेफरेंस से मैं खांडवन दहन कब हुआ करके मुझे रेफरेंस आ नहीं रहा था। इससे मुझे रेफरेंस वो मिला करके मैं सोचा कि एक नई डिस्कवरी आई है, फर्स्ट टाइम मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक्चुअली। तो जस्ट उस शॉर्ट के लिए ये है कि ये वैशंपायन कह रहे हैं, जब कथा कह रहे तो वैशंपायन कह रहे हैं कि वो गांडीव धनुष की कथा कह रहे हैं। वो गांडीव जो धनुष था वो ब्रह्मा जी के पास 1000 साल तक रहा, उसके बाद प्रजापति ने 503 वर्षों तक रखा, फिर इंद्र ने 85 वर्षों तक रखा, इंद्र के बाद सोम ने 500 तथा वरुण ने 100 वर्षों तक उसको धारण किया, ऐसी वो कथा आती है गांडीव धनुष की। उसके बाद ना ये जो ट्रांसलेशन है ना वो थोड़ा कभी कभी हम लाइफ पास्ट प्रेजेंट टेंस में बोल रहे करके उसमें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इसलिए मैंने जाके संस्कृत एक्सपर्ट से पहले चेक करके लिया, यू नो पूर्व धारयत धारयत या धारयत धारयत करके जो वर्ब आ रहे हैं इसका मतलब कि ऐसा उनके पास था। नाउ अधारयत आ जाता है ना, अधारयत करेक्ट। नाउ वो इसलिए जरूरी है कि तपश्चात श्वेतवाहन अर्जुन इज केप्ट इट, अर्जुन हैड इट फॉर 65 ईयर्स, लेकिन अर्जुन के पास वो 65 इयर्स है ऐसी कब की बात है, तो इसके लिए हमें ये बताना फाइंड आउट करना चाहिए कि वो कौन कह रहा है। तो वैशंपायन कह रहे हैं ना, वैशंपायन कहते कहते बाद में वो तो बोलते हैं ना कि बाद में व्यास जी बोले फिर युधिष्ठिर बोला ऐसा तो बोल रहे हैं, लेकिन वैशंपायन 40 चैप्टर में आप पीछे चले जाइए 3 चैप्टर्स पहले, तो वैशंपायन कह रहे करके,
सो नाउ व्हाट वैशंपायन सेइंग इज, अर्जुन का जब लाइफ टाइम हुआ, अर्जुन की पूरी आत्मकथा या बायोग्राफी हो गई, हम बोल सकते हैं उनकी जब बायोग्राफी हो गई, उसमें उनके पास 65 साल के लिए ये अपना गांडीव धनुष था, ऐसा ही हमें समझना चाहिए। क्योंकि हम ऐसा समझ लो ऐसा हम समझे कि जब ये डिस्कशन एक्चुअली हो रहा है, ये हो रहा है गो ये उत्तर जो विराट का जो राजपुत्र था उसके साथ और बृहन्नला की बात हो रही है, हमने ये समझ लिया कि तभी अर्जुन के पास 65 ईयर्स था, तो फिर क्या होगा, वो 65 ईयर्स प्लस अर्जुन ने जब वो पाया यानी कि खांडव वन के समय, तब अर्जुन कम से कम 35 से ज्यादा होने ही चाहिए, तो अर्जुन तब 100 ईयर्स के हो गए अभी दिस टाइम, और प्लस 36 ईयर्स, तो अर्जुन का लाइफ 140 ईयर्स हो गया, और वो सब किसी के साथ मैच नहीं होगा, कृष्ण के साथ मैच नहीं होता और किसी के साथ मैच नहीं होता। तो इसका हम अर्थ कैसा करें, इसका अर्थ हम ऐसा कर सकते हैं कि वैशंपायन जी कह रहे हैं तो वैशंपायन जी जन्मेजय को कह रहे हैं, और वो तो 80 ईयर्स के बाद कह रहे हैं, तो ये पूरा अर्जुन का पूरा बायोग्राफी इज कंप्लीट, वो कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि 65 ईयर्स। नाउ इफ यू यूज दैट, सी हाउ ब्यूटिफुली इट फिट्स। तो इफ यू टेक दो 65 ईयर्स एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अर्जुन ऑल्सो पासिंग अवे, क्योंकि अर्जुन भी कृष्ण जाने के बाद अर्जुन भी सब पांडव वहां स्वर्गारोहण पर्व पे चले गए, राइट, तो 55 एग्जैक्टली सेम टाइम मोर ऑर लेस, तो 55 25 माइनस 65 आप करें तो 55 90 BC का समय आ जाता है, एंड दैट यू विल फाइंड अर्जुन तब अराउंड 42 ईयर्स के थे, तो नाउ दैट फिट्स बिकॉज अर्जुन 35 से ज्यादा होने ही चाहिए खांडव वन के समय। तो कभी कभी हमें, और फिर ये 65 कहां से, तो देखो अर्जुन ने जब तब जो खांडव वन में उनको जो मिला था गांडीव धनुष, वो कब तक उनके पास था, वो उनके पास 55-25 BC तक था, जब वो स्वर्गारोहण के लिए वो निकले हिमालय के तरफ निकले, तब उन्होंने ये मैं 17 मीनिंग जो कौन सा वो पर्व होगा, आप करेक्ट नाम बोल सकते हैं, स्वर्गारोहण पर्व या दूसरा एक नाम होगा उसको, महाप्रस्थान पर्व होगा इसका नाम, तो महाप्रस्थान पर्व के समय उन्होंने वो उधर फिर ब्रह्मा आ गए, फिर ब्रह्मा ने रिटर्न ले लिया, इसी बात है उसमें डिस्कशन में, एंड अर्जुन जी ने वो उधर लेक में गांडीव सौंप दिया। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमें, आपने क्या कहा था, आपके अच्छे शब्द थे कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है या कॉम्प्रिहेंड करना, मानना नहीं है, जानना है। क्या पहला शब्द क्या है, मानना नहीं है, आई लाइक इट, मानना नहीं है जानना है, वेरी गुड, मानना नहीं है जानना, तो हम ऐसा मान नहीं सकते कि 65 होगा तो फिर उधर ही होगा उधर होगा, नहीं नहीं नहीं, डोंट बिलीव, फाइंड आउट, हाँ राइट, और वो ऐसा भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो तभी जब वो गो ग्रहण के समय ही उनके पास 65 है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, हम जानना प्रयत्न कर सकते हैं, तो हमें लगेगा प्रॉब्लम ये है कि तब इसका मतलब तब युद्ध के समय अर्जुन की जो आयु है वो 100 हो जाएगी, ना लोग बोलेंगे उसमें भाई क्या प्रॉब्लम है, ऐसा भी मुझे किसी ने एक बार पूछा है, भाई देवे मैं जब बोला लगभग एक घंटा हो रहा है तो मुझे लगता है अब आपको वाइंड अप करना चाहिए, नहीं वाइंड अप ही है मेरा, नेक्स्ट स्लाइड वाइंड अप ही है, देखो दीज आर माय बुक्स देयर, दीज आर माय बुक्स, और ये क्विक समरी है, तो कृष्ण का जो आयुष्य हुआ वो 106-107 ईयर्स हुआ, पूरा आप मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये उनकी समरी है, एंड दैट इज द समरी, सो 107 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ टाइम फ्रॉम 56-33 BC से लेके 55-25 BC तक। मैं आपको शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं जी। बंधुओं, आप सभी को ये एपिसोड अत्यंत सुंदर लगा होगा, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इसे शेयर करें, इसको लाइक करें, आप हमें चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ में डिस्क्रिप्शन में जाकर पत्रम पुष्पम के लिए भी थोड़ा उद्योग करें तो हम कृतार्थ होंगे। नीलेश जी, जब आप आते हैं तो प्रश्न बहुत सारे आते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उत्तर संक्षिप्त रखें, नहीं तो फिर ये बहुत बचला जाएगा। देवाशीष हल्दर, सत्य त्रेता द्वापर एंड कली, दीज फोर युगाज आर स्पैंड ओवर लैक्स ऑफ इयर्स एज पर अवर शास्त्रस, लॉर्ड कृष्णा एग्जिस्टेड इन द्वापर युग, माइट बी लैक्स ऑफ इयर्स ओल्ड, प्लीज थ्रो सम लाइट।
संजय जी, इसका उत्तर हमने पहले प्रोग्राम्स में बहुत पहले बार भी सुना दिया हुआ है, है। दिस इज स्टैंडर्ड कंफ्यूजन। स्टैंडर्ड आप कंफ्यूजन, युग बता दें कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। हाँ नहीं, मैं मुझे आपको संक्षिप्त तो भी रखना है ना, तो मैं ये जी कहूंगा हाँ, कि सिर्फ युग ये एक डेफिनेशन नहीं है, उसके बहुत सारे डेफिनेशन है। और आप नीलेश ओक और सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अ युग ऐसा कीवर्ड करके देबाशीष जी आप यूट्यूब पे जाइए, आपको सीरीज ऑफ टॉक्स मेरे मिलेंगे कि द प्रॉब्लम ऑफ युगा सॉल्व, नीलेश ओक, वो आप जरूर देखिए, 3, 4, 5 ऐसे आपको एपिसोड्स मिलेंगे। नेक्स्ट। शिव कुमार, प्लीज हाईलाइट द ट्रूथ एंड बायस ऑन अर्ली स्क्रिप्ट्स ऑफ ब्राह्मी एंड इट्स ब्रांचेस, नॉट एग्जैक्टली टुडेज डिस्कशन। धन्यवाद, इसलिए हम नहीं रखेंगे, प्लीज हमें रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज कीप योर क्वेश्चंस वेरी रेलेवेंट टू व्हाट वी डिस्कस टुडे। थैंक यू। राइट, नेक्स्ट। चैतन्य, नीलेश जी, चाइनीज वर मेंशन बाय भीम व्हेन ही वेंट टू फाइट इन ईस्ट ऑफ इंडिया फॉर राजसूय यज्ञ, व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट वाज द इंटरेक्शन बिटवीन चाइना एंड इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम, हैव यू प्रिपेयर्ड अ महाभारत एटलस जस्ट लाइक द सुग्रीव एटलस? पार्टली आई हैव डिस्कस्ड इट, सो यस, उनको चिनाज चिनाज करके वो डिस्क्रिप्ट, चैतन्य जी, चिनाज करके डिस्क्रिप्शन आता है, नॉट जस्ट व्हेन भीमा वेंट इन द ईस्ट डायरेक्शन, मल्टीपल टाइम्स चीन लोगों का डिस्क्रिप्शन आ जाता है उसमें, सो दे वर देयर, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट। विवेक सिंह, नीलेश जी प्रणाम, होप लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन सेव सनातन धर्म फ्रॉम द ऑल कॉन्करिंग। ये मैं क्रिकेट में करते हैं ना, थोड़ा सा टच देके वो बाउंड्री के लिए बॉल छोड़ते हैं, वैसा मैं आई एम गोइंग टू टच इट एंड सेंड इट टू संजय जी फॉर आंसर। वेल, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ लॉन्ग आंसर, जस्ट कीप डूइंग नैरेटिव बिल्डिंग, अल्टीमेटली यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां दोनों होंगे, जहां नैरेटिव और एक्शन दोनों होगा, वहीं आपका परित्राण होगा। नेक्स्ट। चैतन्य, नीलेश जी, अप टू विच एरिया डिड अर्जुन कॉन्कर नॉर्थ ऑफ इंडिया, डिड ही कॉन्कर शिंकियांग सेंट्रल एशिया, एंड व्हाई डिड नॉट भीम क्रॉस टू म्यांमार और तिब्बत, डिड यू नो एनी रिसर्च ऑन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पांडवास? ओके, आई कैन गिव अ क्विक आंसर टू दिस, सो विच एरिया अर्जुन वेंट, अर्जुन डिड गो टू शिंकियांग द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ चाइना, he went to these all areas you can think of east of Caspian Sea, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and all that area. He also went as far as modern day Iraq, like Baghdad area, which I have shown with the research that that belongs to, that is called the Bhagadatta's place. And why did not Bhima went to Myanmar, Tibet? Well, Bhima would not go to Tibet because he was going in the east direction, but it is not very clearly stated, but we have a reason to believe that Bhima would have gone to Myanmar. It definitely, Mahabharata doesn't say that he did not go to Myanmar. Next. Maverick Mishra, okay. Bhagavad Gita is getting introduced in military. Why not putting Ram or Krishna pics on currency is being emphasized instead of Bapu, Hare Krishna. Well, I think it's again not the topic for the day. Yeah. So I think we can just skip this. Adventure time. Krishna taught pragmatism in Bhagavad Gita. Still, our people are aesthetic. Some even hate technology, call it awesome, like Islamists and JC supremacists. Like, yeah. Take this, it's a comment, right? I mean, I don't know, I don't think there is a question there. Okay. Next, Chaitanya, Nileshi, in Dwarka, how were the businesses and taxes were done? Many people want to know how governance was done during Mahabharata time. Yeah, Chaitanya ji, uska bhi uttar bahut lamba hoga. So yes, there was a wonderful arrangement for managing business. See, Dwarka was prosperous because of business and because of taxes and everything, the whole commerce. Uske description aapko Mahabharat mein milenge aur uske description aapko aur jagah bhi milenge, like Harivansh mein milenge,
भागवत पुराण में मिलेंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इट्स नॉट अ शॉर्ट आंसर। कृष्ण योगेश्वर में भी मिलेंगे। हाँ, थैंक यू। पार्ट टू ऑफ द ट्रिलॉजी। नेक्स्ट, ऋषि। ऋषि, हाउ कम व्यास कुड सी अरुंधति वॉकिंग अहेड ऑफ वशिष्ठ? इज इट पॉसिबल टू प्रिवेक्ट टाइम पीरियड ऑफ इक्ष्वाकु? फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही नहीं, हाउ कम व्यासा कुड सी अरुंधति वॉकिंग अहेड ऑफ वशिष्ठ? वेल, हम भी देख सकते हैं आज कि अरुंधति व्यास, अरुंधति वशिष्ठ के पीछे है, तो व्यास ही क्यों? उस समय का 55-61 में कोई भी आदमी हो वो देख सकता था। और इक्ष्वाकु का पीरियड हम अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं, और वो भी टेंटेटिव, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं वो 50,000 BC के पीछे चला जाएगा, लेकिन वो भी मैं टेंटेटिव कह रहा हूँ, क्योंकि एक इक्ष्वाकु डायनेस्टी का एक जो किंग है बृहद्रथ करके, उसका जो समय मेरे को रिसर्चर रूपा भाटी जी ने निकाला है, वो जाता है 34,500 BC ही तक, तो उसके पहले इक्ष्वाकु होंगे, लेकिन कितना पहले वो हम बता नहीं सकते। नेक्स्ट, शायद हो गए। नहीं नहीं बोलते नहीं। So I'm keeping my answer short today, you see. Yes, like, क्षमा करो तो संभवतः ऑफ टॉपिक हो, पाणिनि से पहले रामकृष्ण के युग में वेद कौन से भाषा में लिखे हुए थे और कौन सी लिपि में? भाई भाषा तो संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत। हाँ, लिपि जो है अभी, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च भी बाकी है। बहुत सारी रिसर्च बाकी है, और कभी कभी उन्होंने लिपि होने के बाद भी लिपि नहीं उपयोग किया, क्योंकि उसके कारण उच्चार अच्छे तरह रह जाते हैं। और ये उन्होंने एक प्रश्न पूछा करके मैं कहता हूँ कि पाणिनि से ज्यादा लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये पाणिनि कैसे है कि एक ग्रामेरियन जैसे, कोई अभी आज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निर्माण की, वैसे पाणिनि जी ने ग्रामर लिखा है, ऐसा नहीं कि पाणिनि जी ने ग्रामर का निर्माण किया। ये लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है संजय जी, उनको लगता है कि पाणिनि के बाद ही ग्रामर और संस्कृत निर्माण हुई, ऐसी नहीं है। संस्कृत हजारों सालों से पहले चल रही है। पाणिनि एक, ये जो व्याकरणकार है, उनका जो अष्टाध्यायी है वो हमारे आज तक हमें मिलती है, और बहुत सारे व्याकरणकार होके गए होंगे जिनकी पाणिनि भी बात करते हैं, उनका तो कोई ग्रंथ हमारे पास बचा नहीं है। नेक्स्ट, चैतन्य नीलेश सर, डिड नारायणी सेना हैव नेवी आफ्टर दे मूव टू द्वारका, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ नारायणी सेना? No one is able to give the composition. हाँ, ये सही है चैतन्य जी, बिकॉज उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ बची नहीं है, वो कहाँ ग्रंथों में होगी तो हमें पता नहीं है, और किस कोई ग्रंथ होके नष्ट हो गए तो फिर चांस ही नहीं है। सो यू आर राइट, बट इवन आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, डीपीएस यादव, अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण से याचना की थी कि हे प्रभु, कौरव और पांडव डीएनए एक है, तब प्रभु श्री कृष्ण कहा था, श्री भगवान वाच, कुतस्त्वा कश्मल विदम विषमे समुपस्थितम अनारजुष्टम स्वर्ग्यम। ऑल राइट, आई नो व्हाट ही इज रेफरिंग टू। अकीर्तिकरम अर्जुन, हिंदू अभी भी अर्जुन विषाद योग में स्थिति है, हिंदू से ज्यादा आरएसएस अर्जुन विषाद योग स्थिति में, इसलिए आप हमें मत आरोपित करें, आप जहां जिसने ये कहा है कृपया वहां जाएं, हमने कभी नहीं कहा डीएनए एक है, इसलिए स्थितियां सामान्य है। नेक्स्ट, परीक्षित गोड़ से, अग्नि पुराण टॉक्स अबाउट क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड अदर टेक्स्ट अबाउट प्रेजेंस ऑफ आवर गॉड्स इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ डायमेंशंस, कैन यू टॉक मोर अबाउट प्रेजेंस ऑफ विष्णु जी इन यूनिवर्स? How can we access them? Yeah, again, not relevant to what we discussed today. So that is one reason. Yeah, I mean, briefly, we can say that you have to rise to the highest consciousness, and that's what all of our scriptures teach. Next. Parikshit Godse, when our past was so enlightened, then why can't we tell other civilizations about our knowledge in universe and gods and higher dimension? Christianity and Islam dono khatam ho jayenge. No, that effort is on.
After all, what we are doing, what Nilesh ji is doing, what so many others are doing, that's exactly the effort that is on. And we are fortunate to have this tool of internet. Yeah. Otherwise, you can imagine how difficult it would be. Right. And everyone needs to be part of this yajna. You know, no one, this is not a spectator sport. You cannot be on the sidelines and just watching it. Next. Narendra Kumar Chauhan, dear sir, I am watching Poorna Avatar discussion you doing with Mr. Nilesh Oak. While giving reference, he just Shivaji Maharaj, Guru Ramadas Swami said, as of now, there is a controversy I've seen on this Guru name. Some are telling that he was not, some are saying he is. As Mr. Nilesh searched very perfect, will you take my question that is there any evidence of he was Guru? I think this, I think you should take, even though it is off topic. Yes, yes. And the answer is actually very short and simple. Yes, there is every single evidence, and that Samartha Ramdas Swami was Shivaji's Guru. And there is no evidence whatsoever that will show that he was not. It is as simple as that. But see what happens. Once kisi ne decide kiya ki agenda karna hi hai, to jaisa leftist postmodernist jaise, you can create any nonsense you want. So that is also happening. And fortunately, if I can just supplement, please. There is a contemporary biography of Shivaji Maharaj available. That is called Shri Shiva Bharat. And it is available. It was written in Sanskrit. Marathi translation is available. And now Jaipur Dialogues has taken up the task of doing its Hindi translation. Just imagine, a Hindi translation is not available even after how many years? 1680, Shivaji Maharaj passed away. Yes. And 340 years, a Hindi translation has not been done. Just imagine. सर संजय जी, ये कवि भूषण का ना शिव भारत, शिव भावनी तो वो है ये, अच्छा, तो शिव भावनी तो कवि परमानंद जी की है, परमानंद जी इन संस्कृत, भूषण जी की शिव भावनी तो हिंदी में है, दैट इज अवेलेबल इन हिंदी, दैट इज रिटन इन हिंदी, हिंदी मींस मिक्सचर ऑफ अवधी ब्रज भाषा, अवधी कनौजी जो कुछ होगा वो। हाँ, नेक्स्ट। Pratap Ramachandran, Nilesh ji, please talk a bit on how Shri Krishna, when he went for peace mission to Hastinapur, took Satyaki with himself. Such a forethought which seems to be missing in our leaders today. I've described that in Krishna Yogeshwar. Yes, yes. So you can just... Yeah, see, just the thing I will add, Sanjay ji, is it's Agratash Chatvara, what Parshuram ji also used. You know, Parshuram ke bare mein kaha jata hai ki Agratash Chatvara Veda Paschata Sasharam Dhanu. पहले तो हमारा मार्ग तो कल्चर का, सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स का ही है, अग्रतः चत्वरा वेदा, लेकिन किसी के समझ में नहीं आए तो क्या कर सकते हैं, तो पश्चता सशरम धनु भी रेडी रखने पड़ते हैं। कृष्णा न्यू इदम शास्त्रम या इदम शास्त्रम इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि शरादपि यस Harshad Malve, considering the advanced weapons like Gandhi, Sudarshan Brahmas, etc., and their long life, can Samasya of ancient aliens be taken into cognizance? Okay, well, Samshay hum le sakte hai. The point is that Samshay, Nyaya Darshan kehta hai, Samshay is very important. But aap Samshay leke baith gaye, to Nyaya Darshan considers you useless. It says that Samshay should drive the research. और हर एक आदमी उसमें रिसर्च करे तो बहुत सारा ज्ञान निर्माण हो जाता है. लाइक मेनी पीपल आउटसाइडर्स, रशियंस, अमेरिकन्स, दे रीड टेक्स्ट लाइक दिस, दे थिंक इसमें कहा है तो हो भी सकता है, देन दे डू एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोड्यूस थिंग्स. हम सिर्फ वो पढ़ते रहते हैं या पढ़ते भी नहीं, और हम सोचते हैं वो बैकवर्ड है. नेक्स्ट. Naren Chauhan, is there any finding or evidence that Chhatrapati Maharaj, is the same question? Yes. And I've already given the answer. Correct. Please read Shri Shiva Bharat by Kavindra Paramananda. And you'll find it on in PDF on Google. But of course, it is in Sanskrit and Marathi, so you need to know one of the two languages. It will be available in Hindi in a few months.
और आप रामदास डायलॉग इज स्वामी, ऑलरेडी अंडरटेकन दैट और टाइम। संजय जी वो अभी रामदास स्वामी के ग्रंथ तो हिंदी में भी है लेकिन दास ट्रांसलेट बोध इज हुए हैं। अवेलेबल, दास बोध इज अवेलेबल इन हिंदी, हाँ लेकिन आई वो हैव भी इट, पढ़ सकते हैं तो भी पता चल जाएगा लोगों को, यू नो। वो मेरे पास है दास बोध, इज वेरी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट नाउ, ब्यूटीफुल, नॉट इजीली अवेलेबल, बट समबडी गिफ्टेड इट टू मी। ब्यूटीफुल, यू नो अभी आपने कहा करके बता रहा हूँ, देखो ऑल आई हैड टू डू इज स्ट्रेच माई सेल्फ। दास बोध, okay, so that's wonderful. I think we have finished in very good time, and thank you Nilesh ji, thank you thank you all viewers. Poonam Abhi ji ka message aa gaya, agratah chaturo veda ke ho chuke na, aur lakhon draupadiyon ka cheer haran aur sitaon ka aparan bhi ho chuka, abhi chakra nahi uthayenge kya? We agree with you Poonam ji, I agree with you, बिल्कुल चक्र उठेगा, आप चिंता न करें। हम्म, तो सभी महानुभावों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।